गाइस, अगर आप भी कोई ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई भी हिडन चार्ज, मेंटेन चार्ज या एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं रखना पड़े और आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट हो जिससे आप सिर्फ गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसी यूपीआई का इस्तेमाल कर सके, तो जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट आपके लिए ग्रेट चॉइस हो सकता है। देखो, मैं खुद का ही यानी अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहा था जियो पेमेंट्स बैंक का, पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको भी पता हो कि जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। और ये जो है ना 2024 का नया तरीका मैं आपको बताऊंगा, यानी अब जो है ना इसके अंदर प्रोसेस भी बदल गया। केवाईसी करने का जो प्रोसेस था पहले वो अलग था, लेकिन अब जो है ना 2024 के अंदर वो बदल गया है। कैसे अब आपको इसके अंदर केवाईसी करनी है और कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा आपको तसल्ली से बताऊंगा कि जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कैसे करना है 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। चलो आ जाओ और मैं आपको बताता हूँ। जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से माई जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसी के थ्रू आप जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना तो आपको बैंक का ऑप्शन मिल रहा। बैंक वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ओपन योर ऑनलाइन अकाउंट जस्ट 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप में अपना ऑनलाइन अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका वेलकम किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसकी टर्म एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल रहा तो इसी पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर जो आपका अकाउंट खुलेगा ना, ये JPB सेविंग अकाउंट होगा। अब चाहो तो आप इसको यहाँ पर मोर डिटेल्स पे क्लिक करके और भी डिटेल्स चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा तो प्रोसीड आपको कर देना है। जिसे आप प्रोसीड करते हो तो इंटर योर डिटेल्स, अब ऊपर आपको पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है और नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालोगे या अपना आधार कार्ड नंबर, तो आपके पैन कार्ड में आपका फर्स्ट नेम भी होना चाहिए और आपका लास्ट नेम भी होना चाहिए। अगर आपके पैन कार्ड में या आपके आधार कार्ड में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तभी आप अपना जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आपका सिंगल नेम है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अभी अपना पैन कार्ड नंबर लगा देता हूँ। देखो जैसे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर लगाया तो पैन कार्ड नंबर लगाने के बाद मेरे सामने लिखा है फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी प्लीज़ अपडेट पैन डिटेल्स, यानी यहाँ पर फर्स्ट नेम होना मैंडेटरी है और लास्ट नेम होना भी मैंडेटरी है। यानी आपके आधार कार्ड में आपके पैन कार्ड में दो नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे मेरे आधार कार्ड में उमर है तो उमर के आगे जो है ना कुछ और भी लगा होना चाहिए था तभी मैं इसके अंदर अकाउंट ओपन कर पाता। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना अभी के टाइम पे बहुत बहुत सारे बंदों को आ रही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये इसीलिए आ रही है कि हमारे आधार कार्डों के अंदर ना सिंगल नाम होता है। यानी आपके आधार कार्ड में आपके पैन कार्ड में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी आप जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं भी कई बार इसके अंदर ट्राई कर चुका हूँ। मैंने लास्ट प्रोसेस में इसीलिए आपको दिखाना चाहा कि अगर आपके आधार कार्ड में या आपके पैन कार्ड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो आप इसके अंदर इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दो भाई, यहाँ पे टर्म एंड पॉलिसी आ जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, यहाँ पे देखो OTP आता है, OTP यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया, OTP सेट सक्सेसफुल, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीड कर दो। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालोगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा आएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना और सिंपल से आपकी KYC होगी। कोई एम्प्लॉई आएंगे आपकी KYC करेंगे और आपकी KYC कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में आपके पैन कार्ड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर पा रहे हो या नहीं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।